नमस्कार प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में हमने पार्ट दो तेनाली राम के विषय में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे के पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आगे के पाठ का अध्ययन करते हैं। कुछ देर के बाद चोर फिर वापस आ गए। उन्हें लगा कि पति पत्नी सो गए हैं। वह दीवार के पास आकर खड़े हो गए। तब दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने में तेनालीराम को फिर से खटका हुआ, मतलब शक हुआ। तेनालीराम समझ गए कि चोर आसपास ही हैं। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए जानबूझकर ऊंचे स्वर में अपनी पत्नी से बोले कि तुम आराम से सो जाओ, मैंने धन को बचाने का उपाय सोच लिया है। अब तुम्हें मायके जाकर आभूषण रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बड़े संदूक में आभूषण भर देंगे और उस संदूक को कुएं में फेंक देंगे। कुएं में पानी अधिक नहीं है, हमें जब ज़रूरत होगी हम इसे निकाल लेंगे। यह सब बातें कौन सुन रहे थे? चोर सुन रहे थे। दूसरे दिन शाम होते ही चोर कुएं के पास पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। इतने में तेनालीराम आए। उन्होंने संदूक को कुएं में डाल दिया और कुएं को कहने लगे कि हे कुएं भाई, हमारे धन का ध्यान रखना। और फिर तेनालीराम वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद चोर बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं में से संदूक निकालने का प्रयत्न करने लगे। वह सारी रात बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकालते रहे और खेतों में डालते रहे। देखते ही देखते सारा खेत पानी से भर गया। तो बच्चों, पहले हमने बताया था कि चोरों के डर से तेनालीराम की पत्नी अपने खेतों में सिंचाई भी नहीं करवा पा रही थी। चोरों ने अनजाने में खेतों को पानी से भर दिया, परंतु संदूक बाहर नहीं आया। इतने में सुबह हो गई और जब तेनालीराम अपने खेतों को पानी से भरा देखते हैं तो हैरान होकर ऊंचे स्वर में बोलते हैं कि अरे भले मानुषों, मतलब भले मनुष्यों, तुम कौन हो जिसने मेरा पूरा खेत पानी से सींच दिया? मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ। परंतु चोरों को अपने प्राण बचाने की चिंता थी। वह सिर पर पांव रखकर भागे जा रहे थे, मतलब जान बचाकर भाग गए। तो देखा प्यारे बच्चों, तेनालीराम ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अपने घर के आभूषणों को भी बचा लिया और अपने खेतों को भी पानी से सींच लिया। तथा इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें संकट के समय चतुराई और बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब आप आओ करें एक और आओ करें दो को अपनी पाठ्य पुस्तक में ही करें, तथा आओ करें तीन के प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में पूर्ण करें। धन्यवाद।